There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर हम बॉईल कर रहे हैं दूध, जो कि हमारा डेली फ्रेश दूध आता है, और ये आता है डेयरी होम से। इसका फेसबुक पे भी पेज है, बहुत अच्छा दूध है, ट्राई ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर बन रहे हैं पिंक कलर के पैन केक्स फॉर रहमा और ब्लू कलर के पैन केक्स फॉर मुआफ़ा। तो मैंने किया क्या था कि मैंने प्लेन बैटर बनाया था केक्स का, पैनकेक्स का, और उसमें मैंने कलर डाल दिया था, और फिर दोनों बच्चों को उनके फेवरेट टॉपिंग के साथ मैंने बना के दे दिया था। इसके अलावा बन रहे पराठे, और एक तरफ बन रहा है खंगीना, जो कि मैं अभी इसमें अनियन डाली है। अनियन डाल के फ्राई करने के बाद उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च डाली है, उसमें मैंने डाला है काली मिर्च, और अच्छी तरह इसको मैं दबा दबा के मैश कर लूँगी, जिस तरह से अभी दिखाया। इसमें मैंने चीज़ डाला है, सॉरी चिकन है, बॉइल्ड चिकन है ये डाल के डिफरेंट ऑमलेट बनाया है मैंने, चिकन चीज़ी ऑमलेट बनाया है, बहुत ही मज़े का बनता है। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया कभी, तो ज़रूर ट्राई करिएगा एक दफ़ा, बहुत मज़े का लगता है, काफ़ी फिलिंग होता है। और ये संडे का नाश्ता था, इसमें मैंने सिराशा सॉस डाली है थोड़ी सी। इसके बाद इसमें मैं डालूँगी अंडे, तीन अंडे डाले हैं मैंने इसके अंदर, और इसको मैं थोड़ी देर कवर करके पका के और इसको मिक्स किया। इसके ऊपर मैंने ऑलिव्स डाला है, इसके ऊपर मैं चीज़ डालूंगी, और थोड़े से इसको हल्की आंच पे मेल्ट करने तक पका लूंगी। और इसके ऊपर मैंने पेपरिका पाउडर स्प्रिंकल की है, और लीजिए मज़ेदार सा पिज़्ज़ा ऑमलेट ही कह लें इसको, वो तैयार है, बहुत ही मज़े का लगता है। पराठों के साथ मलाई भी थी, पैनकेक्स भी थे, फुल मज़ेदार से जो है ना नाश्ता बनाया था संडे को। इसके बाद ब्राउनीज़ बना रही थी, तो मैं यहाँ तक बनाते हुए कि चीनी और पिसी हुई चीनी और क्या कहते हैं अंडों को बीट कर रही थी और ऑयल डाल के। तो फिर इसके बाद आई डोंट नो कुछ हुआ था ऐसा जो मुझे याद नहीं है, या मैं भूल गई, तो वो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई और फिर ब्राउनीज़ बन गई। तो ब्राउनीज़ बहुत ही मज़ेदार बनी थी, मतलब आपको एक तो शक्ल से, जिनको पता है ब्राउनीज़ की ऐसी वाली शक्ल जो निकलती है, तो वाकई बड़ी मज़े की बनती है। उसके बाद फिर हम अगले रोज़ बच्चों को लेकर गए थे, और ये मैं आप लोगों को हाय करूँगी, बच्चों को लेकर गए थे स्विमिंग के लिए, क्योंकि घर में बैठे बैठे ये बहुत परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं कि हर वक्त घर में रहते हैं। तो हमने कहा चलें ठीक है, अब आपको हम स्विमिंग के लिए लेके जाते हैं। तो क्लब लेके गए थे स्विमिंग के लिए, इन्होंने खूब फन किया, इतनी इनको ठंड लगी थी, मैं बैठी रही हूँ वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे, और 2 घंटे तक ये लोग स्विमिंग पूल के अंदर थे, थोड़ी देर निकलते थे वापस चले जाते थे, और ज़्यादा लोग थे नहीं, वहाँ रश नहीं थी, तो खूब इन्होंने जो है इंजॉय किया है। और देखे शाम हो गई है, हम आए थे दिन के वक्त और शाम हो गई, 2 घंटे इन्होंने स्विमिंग वगैरह की। उसके बाद फिर हम गए कुछ खाने के लिए, क्योंकि स्विमिंग करने के बाद बहुत भूख लगती है। और आई एम सॉरी आप लोगों को आज मेरी आवाज़ थोड़ी वियर्ड लग रही होगी कि ये कैसे आवाज़ निकल रही है इसकी, लेकिन अब ऐसा ही है, थोड़ा टाइम तक आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, बिकॉज मैं अभी अभी काफ़ी बीमारी से उठी हूँ। और ये हम गए थे कराची ब्रोस्ट, कराची ब्रोस्ट का ब्रोस्ट हमें बहुत पसंद है, लेकिन इनका जो ब्रोस्टा जो आया है नया ब्रोस्टा जो है बहुत ही टेस्टलेस है, सिर्फ देखने में बहुत टेम्पटिंग है, अच्छा लग रहा है, बट यकीन माने ये बहुत टेस्टलेस है, सिर्फ टॉपिंग अच्छी थी, अदरवाइज़ नीचे बहुत फीकी सी चिकन थी, क्रिस्पी, इनका ब्रोस्ट इससे ज़्यादा अच्छा होता है। तो इट वॉज इंट अ गुड एक्सपीरियंस, तो अब मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगी किसी को भी, अगर कोई जाके खाना चाहता है तो आई वॉन्ट रिकमेंड देम कि ये खाएं, बिकॉज ये वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी, और आपको दुख भी होगा।
बच्चे वगैरह थक गए थे स्विमिंग करने के बाद, खाना खा लिया था उन्होंने, तो फिर हम जो है हस्बैंड और वाइफ जो हैं कैरम बोर्ड प्ले कर रहे थे, और हमने डील रखी थी कि जो विन करेगा तो उसको कोई ना कोई उसका काम किसी ने करना होगा, लाइक किस उसकी कोई एक विश पूरी करनी होगी। तो मैं जीत रही थी तो फिर उन्होंने जो है ना कैरम बोर्ड खेलना ख़त्म करा दिया, और हमारा प्यारू सा सिम्बा हमें पीक करते हुए, जैसे कि आपको पता है हेल्पर नहीं है, अभी मैंने फ्लोर क्लीन किया है सारा, अभी ऊपर से सारा मैस समेटना रहता है, ठीक है, क्योंकि मैं नीचे से चीज़ें ऊपर रख कर और उसको क्लीन करती हूँ। तो बेड मैंने पहले बना दिया था लेकिन अब दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि चीज़ें ऊपर रख दी हैं, सब कुछ समेटना है, अपना ये वाला काउंटर क्लीन करना है, मॉप लगाना है, तो चलें करते हैं। और अब हो गया है रूम डन क्लीन, सब चीज़ें क्लीन हो गई हैं, बेड सेटिंग में रख दी है, वो जानमास का कॉर्नर है कैरम लेट नाइट गेम्स के लिए, और अब ये काउंटर रहता है क्लीन करने का, मेरा जो ड्रेसर है ये अभी किया नहीं है मैंने। फिर आ गया लंच का टाइम, जिसमें दही है, रोटी है, प्याज है, दाल है और पापड़ है, तो बहुत ही मज़े का कॉम्बिनेशन है ये, साथ अचार भी होता तो क्या ही बात थी, लेकिन वेदर भी अच्छा नहीं है, गले भी ख़राब है, सबके कोई ना कोई बीमार हो ही जाता है, तो इसलिए वो अवॉइड किया। इसके बाद मेरे बच्चों ने सरप्राइज़ देने के लिए मुझे, मैंने परसों फ्लोर लास्ट मतलब इस दिन जो इन्होंने ख़राब किए, ये देखें सारे छप्पे, इन्होंने गंदी टाँकी उठा के फ्लोर पे लगा दी कि मामा को हम सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ नहीं था ये, मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था कि गंदी टाँकी उठा के लगा दी जो कि अभी वॉश करने वाली थी, उस पे उससे दूध पोंछ के रखा था मैंने कि मैं उसको जो है करूँगी क्लीन, तो इन्होंने वो उठा के लगा दी कि फ़्लोर हम साफ़ कर रहे हैं आपके लिए। तो फिर उसके बाद दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ी और मुझे पूरे फ्लोर की टाँकी दोबारा लगानी पड़ी, और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि अब जाके क्लीन हो गया है। तो बच्चे अपनी तरफ से जो है सरप्राइज़ तो देना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो बच्चे हैं, उनको क्या पता काम कैसे होता है या क्या चीज़ें होती हैं करने की, तो मेरे लिए थोड़ी सी जहमत हो गई थी, लेकिन चलें उन बेचारों का दिल रखने के लिए मैं बड़ी हैप्पी हो गई थी। फिर जब वो सोने लेते तो जाके मैंने फ्लोर साफ़ किया ताकि उन्हें ना पता चले कि उनकी जो है ना सरप्राइज़ मेरे लिए शौक था। और फिर रहमा की अगले रोज़ फ्रेंड आई थी और वो केक लेकर आई थी रहमा के लिए, और फिर मैंने जो है बाहर से कुछ निक नैक्स मंगाए थे, वो इन्जॉय किया, और फिर लेट नाइट जो है हमने ये ब्रॉडवे पिज़्ज़ा की डील मंगाई थी, बहुत ही मज़े की थी, चॉकलेट लावा केक था, बड़ा मज़ेदार गरम गरम सा और यमी सा उनका पिज़्ज़ा था, तो बहुत ही मज़ा आया हमें। फिर अगले रोज़ हमें जाना था शॉपिंग पे, तो शॉपिंग करने के बाद हमने जो है ये डंकिन डोनट वहाँ पे खाए थे, तो मुझे एक आइडिया आया कि ये जो शेक है एक ग्लास काफ़ी बड़ा हो जाता है बच्चों के लिए, और हम शॉपिंग कर रहे थे बॉडी शॉप से, तो वहाँ से कर हम आ चुके, और तो मुझे ख़्याल आया कि वाई नॉट इसको हम हाफ ऑफ करके दूसरे ग्लास उनसे डिस्पोजेबल लेकर, और 3 ग्लास निकाल लिए हमने आउट ऑफ 2, और उसमें हमने 5 लोगों ने हमने इंजॉय किया शेक, जो कि हमने सिर्फ 2 लिए थे। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं लाइक अगर आपने देना हो बच्चों को। और फिर उसके बाद अगले रोज़ हमने क्लीनिंग, हमने नहीं मैंने क्लीनिंग की, डाइनिंग टेबल इस कदर मैसी हुआ हुआ था, हर चीज़ ला के डाइनिंग टेबल पे छोड़ी हुई थी, मट्टी थी, और ज़ाहिर है बंदा जब बीमार होता है तो उसके लिए हर चीज़ को मैनेज करना देखना इतना पॉसिबल नहीं है हर टाइम पे, ऑब्वियसली उसको खुद चिड़चिड़ाहट सी हो रही होती है, वीकनेस सी हो रही होती है। तो फिर मैंने एक डाइनिंग टेबल क्लीन की, उसको सेट की, सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखी जो रखी हुई थी बच्चों ने यहाँ से वहाँ, तो आपको ये सब दिखेगा। ये अभी मैं पहले मिट्टी हटा रही हूँ इसकी, इसके बाद मैं इस पर स्प्रे करूँगी पानी का और उसको मैं वाइप करूँगी अखबार से, तो ये क्लीन हो जाएगा, और उसके बाद जो है इसकी सारे मैट्स वगैरह इस पर रख दूँगी मैं। तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया मेरे लिए, नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।